आज बहुत तादाद के अंदर तांता लगा पड़ा है, काले काले सिर दिखाई दे रहे हैं। और आज देखने में आया है कि बहुत तादाद के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए आए हैं। देखिए पिपल जी, आपको ये तादाद ज़्यादा लग रही है, मुझे ये तादाद बहुत कम लग रही है। कारण क्या है कि दिल्ली का ही आदमी आया है, लगभग 340 कार्यक्रम NCR में और भी लगे हुए हैं जो दिन में चल रहे हैं, शाम को हैं और रात को हैं। तो NCR के 340 जगह के जो कार्यक्रम हैं उनके लोग यहाँ नहीं आए इस बार, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है इस बार। और उन्होंने तीन तीन दिन के, चार चार दिन के, जैसे देहरादून में 7 दिन का कार्यक्रम है और गाजियाबाद में 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है और नोएडा के अंदर है, हजारों लाखों आदमी प्रेरणा स्थल पर गया हुआ है, बाबा साहब का जन्म स्थल पर गया हुआ है। यहाँ तो बहुत कम अंश है, बहुत कम आए फिर भी लाखों आए, मगर ये बात बड़ी तय है कि इस बार यहाँ जगह दिल रखने को नहीं है और यहाँ इस बार बहुजन समाज आया है। सर क्या माना जाए कि बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब जो है भगवान है, उनका भगवान का रूप दिया जाता है। देखिए ऐसा है, चूँकि यहाँ शिक्षा की बड़ी कमी है और बिना शिक्षा के जो लोगों को सिखाया जाता है उनको ये सिखाया जाता है कि भगवान आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर देगा, तो बाबा साहब ने यहाँ पे बहुजनों की सारी तकलीफ़ों को दूर कर दिया। इसलिए उन्होंने माना कि भाई जिसने तकलीफ़ दूर कर दी वही हमारा भगवान है। मगर अब उनको ये समझ में आ रही है कि ये भगवान नहीं है तो भगवानों के भी भगवान हैं, क्योंकि भगवान भी इनकी न्यायालय में इनके संविधान से न्याय लेने आते हैं। इसलिए अब ये महामानव हैं और ये जो बुद्ध के महामानव हैं उनका छोटे रूप है जिसको बोधिसत्व बोलते हैं। तो इसलिए लोग अगर भगवान से तुलना करते हैं तो ये अभी उनकी अज्ञानता है, मगर ये वो जान गए कि ये भगवान से भी बड़ी चीज़ है। लेकिन सर अब देखा जा रहा है कि कुछ जो लोग हैं ये बाबा साहब का जो स्टैचू है एक मंदिर में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये हर बार होता आया है कि जब भी किसी महापुरुष ने गरीबों का भला किया है उसकी खोपड़ी को बंद करा के और उसको भक्ति डालकर पूजा में डालते हैं, तो वो पूजा में डालने से उसकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको इसकी एजुकेशन को पुजवा दें, इसकी किताबों को पुजवा दें। वो तो लोग तो इस चक्कर में है कि संविधान की भी पूजा करा दें। अरे संविधान का पूजा थोड़ी कराना है, संविधान को तो पढ़ के उसको अप्लाई करना है, उसको यूज में लाना है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़ेगा आगे। तो आपका क्या मानना है कि बाबा साहब को भगवान ना माना जाए? नहीं, अगर किसी आदमी का काम बिना भगवान को माने नहीं चलता है और वो बाबा साहब को भगवान मानता है तो माने, मगर बहुजन समाज तो अब उनको अपना अन्नदाता मानता है, अपना मुक्तिदाता मानता है और वो भगवानों का भी भगवान मानता है। तो जिसको पूजना है वो पूजे, जिसका काम नहीं चलता है। मगर लोग उनको समझ गए कि उनकी शिक्षाओं में सब कुछ है, उनकी पूजा में कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जितने बहुजन के लोग हैं उन्होंने पूजा छोड़ दिया। और वो आज देखा गया कि जहाँ बहुजन के लोग हैं बहुत तादाद के अंदर आज मुस्लिम लोग हैं, और देखा है जी वो चावल के अंदर वो बिरयानी बना के लाए, बहुत तादाद के अंदर बाबा साहब के नारे लगा रहे हैं। देखिए पिपल जी, 3 साल पहले मैंने यहाँ कुछ मुसलमानों को देखा था, कुछ ईसाइयों को देखा था जो यहाँ क्या बोलते हैं लोगों को केक खिला रहे थे, और यहाँ क्या बोलते हैं मैंने कुछ मुसलमानों को देखा था जो यहाँ पे आके और प्रचार प्रसार कर रहे थे और जो खाना बांट रहे थे। मगर इस बार तो कमाल हो गया, इस बार तो झुंड के झुंड यहाँ आए हैं। और ये बात तय करती है कि अब बहुजन यहाँ कंप्लीट आने लगा है। और बहुजन की तो बात छोड़िए, जो यहाँ जो पंडाल लगे हुए हैं उन पंडालों में सुबह सवेरे 8 बजे जनरल के बहुत लोग आते हैं जो यहाँ उद्घाटन करते हैं, इंतजाम करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट से तो यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, क्योंकि बाबा साहब की जो एक्सेप्टेंस है वो पूरे वर्ल्ड में हो गई है। अब किसी भी आदमी को बिना बाबा साहब के बिना काम चलने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी आदमी है। धन्यवाद सर।